हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछला व्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा, कोणार्क टेंपल का। उसमें मैंने टिकट का प्राइस मेंशन नहीं किया था, तो मैं इसमें बता देती हूँ। तो हमारे जो बस वाले भैया थे, उन्होंने 160 पर हेड करके लिया था। नंदन कानन का था 60 रुपीज़ और कोणार्क का था 100। इस सीजन सभी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बिकॉज इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। अदरवाइज अगर आप गर्मी में आते हो तो आपको कम कॉस्ट में रूम भी मिल जाएगा और सारे टिकट्स का प्राइस भी कम रहेगा। अभी हम लोग आ गए भुवनेश्वर, भुवनेश्वर का पुराना मंदिर के पास। तो बस वहाँ पे हम लोग पैदल जाना है यहाँ से। ये रहा मंदिर, ये भी बड़ा है, देखिए बहुत ज़्यादा। इस मंदिर पे 108 शिवलिंग है। अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या है, लेकिन वहाँ पे फोन बैग्स अलाउड नहीं है। बस आप लोगों को बाहर से ही देखना पड़ेगा। वो रहा मंदिर, इधर भी है, इधर भी है। ये मंदिर का मेन गेट। हाय गाइस, तो ये है लिंगाराज टेंपल और इसके अंदर 108 शिवलिंग है। हम लोग निकल गए हैं मंदिर से और अभी हम लोग जा रहे हैं नंदन कानन, और मैं खा रही हूँ कुकुम्बर क्योंकि फ्रेश मिल रहा था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जू के पास। ये है एंट्री गेट, यहाँ से हम लोग घुसेंगे। इंडिया का बिगेस्ट जू में से दूसरे नंबर पे आता है, और किसी का कहना है तीसरे नंबर पे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कौन से नंबर पे आता है, बिकॉज आई एम कन्फ्यूज। भाई मारो मुझे। ये रहा हमारा टिकट। फाइनली हम लोग जू पे एंटर कर गए। अब देखते हैं क्या क्या है। हम लोग कोई दिखते ही नहीं साथ में। ये रहा सफारी गाड़ी। तो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं, सारे के सारे एनिमल्स के निक नेम दिए हुए हैं। तो मुझे जहाँ जहाँ दिखेगा मैं दिखाते जाऊँगी। बार्बी कबीर, टाइगर, उस साइड में वाइट टाइगर है, लायन, शोर है। अभी आँख बंद किया। हाय मेघा, सही बात है, तब होगा नहीं तो नहीं। और ये है जू का मैप। आपको जो भी एनिमल्स देखना है आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, लोकेशन आपको पता चल जाएगा। और एक्टिविटीज़ किधर होती है वो भी आपको इस मैप के थ्रू पता चल जाएगा, फिर आप इजीली घूम सकते हैं। अंदर में है, इधर तैर रहा है, इधर यहाँ एक बहुत है, यहाँ पे बहुत सारा। आ जा आ जा आ जा आ जा। वही तो बोल रही है, पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, पत्थर के ऊपर लेटा हुआ है, यहाँ पे इतना सारा पता ही नहीं चल रहा था। एक दो तीन पत्थर में कितना सारा है, 6-7 उधर 8। ओ देखो जू के अंदर एक घर। हम लोग चले डायनासोर के अंदर। यहाँ
ओदे कैसे कर रहा है यो यो हनी सिंह बंदरिया दोनों तो हमें जितना टाइम मिला था जू घूमने का हमने घूम लिया है और ये बहुत बड़ा जू है और आप एक दिन में पूरा नहीं घूम सकते पैदल। तो मॉर्निंग में आपको 8 बजे आकर सफारी गाड़ी करके पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं जू को, और ये जू खुल जाता है 8 बजे और 5 बजे बंद हो जाता है। तो हम लोग अभी जू घूम के आ गए और अभी हम लोग खा रहे हैं चिकन चाउमीन, उसके बाद जाएंगे स्टेशन। हम लोग का आज है ट्रेन, तो आज हम लोग का लास्ट डे है बट नॉट द लीस्ट। ओके, मिलते हैं फिर स्टेशन में। और अभी हम लोग पहुंच गए स्टेशन और मैं पी रही हूँ कॉफ़ी जो कि बहुत ही गंदा था, मतलब पानी में मिक्स कर दिया है कॉफ़ी, ऐसा लग रहा था बहुत ही अजीब सा टेस्ट। आयुष, अभी हम लोग स्टेशन में है, भुवनेश्वर से आ गए थे स्टेशन। हम लोग का ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट है, देख सकते हो क्या करें, बस भटक रहे हैं स्टेशन में जोर जैसे, कभी चिप्स कभी क्या कभी कॉफ़ी, बस यही काम चल रहा है हम लोग का। हम लोग नंदन कानन से शायद 6 बजे और अभी बज रहा है 1:07 लेट है हम लोग का ट्रेन सा रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहली बार हम लोग ऐसे बैठे हैं स्टेशन पे और अभी आने वाला है ट्रेन। अभी हम लोग पहुँच गए सिकेपी यानी कि चकलदरपुर और यहाँ पे मैं खा रही हूँ दही वड़ा, उसके बाद मैंने खाया गर्मा गर्म आलू चोप और वड़ा। तो जाते टाइम का जो ट्रेन था हम लोग का तपस्नी जो कि रांची से खुलती है और डायरेक्ट पूरी तक का, और आते टाइम का हम लोग का ट्रेन दूसरा था बिकॉज ये लोग को सिकेपी में उतरना था मेरे कजन्स को। तो हम लोग का जो ट्रेन था उत्कल जो रांची नहीं जाता है, ये पूरा राउंड होके जाता है मतलब सीकेपी जमशेदपुर घुमा के। तो बस मेरे कज़न चले गए अपने घर, अब हम लोग जा रहे बस में खूंटी।
तो सीकेपी से खूंटी वाला रास्ता पूरा वैली वाला रास्ता है, और ये वाटरफॉल जो है वैली के बीच में, हिरनी फॉल। तो आज के लिए बस इतना, और पूरी का व्लॉग ख़त्म हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।